हेलो, गैजेट सर्टिफिकेट और ऑनलाइन नेम कैसे चेंज करना है, डेमो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपले सरकार महा ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है। आपका यूजर आईडी क्रिएट करना है। यूजर आईडी क्रिएट करने के लिए यहाँ क्लिक करोगे तो एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ दो ऑप्शन है आपको रजिस्ट्रेशन के लिए। फर्स्ट है आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन, यहाँ आपको आधार नंबर देके रजिस्ट्रेशन करना है। आधार नंबर यहाँ डाल के और सेंड ओटीपी करोगे तो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा और उससे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है, यहाँ आपको मैनुअल सब डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ फोटो लगेगा, यहाँ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ये मैनुअल रजिस्ट्रेशन है जो आपको बेटर लगता है, वो रजिस्ट्रेशन करके आपले सरकार साइट पे लॉग इन करना है। मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, मेरा यूजर आईडी क्रिएट हो चुका है, मैं लॉग इन कर रहा हूँ। यहाँ डिस्ट्रिक्ट डालनी है, लॉग इन। लॉग इन होने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इंग्लिश में ये होम पेज रखो या आप मराठी में कर सकते हो कन्वर्ट, तो आपको ये सब मराठी में दिखेगा। तो मैं सबके लिए बना रहा हूँ तो मैं इंग्लिश ही लैंग्वेज रखूंगा। उसके बाद ये इतने सारे डिपार्टमेंट्स है आपको गैजेट और नेम चेंज करने के लिए। आपको इंडस्ट्रीज, एनर्जी एंड लेबर डिपार्टमेंट पे जाना है। नेक्स्ट पेज पे या सब डिपार्टमेंट आपको सिलेक्ट करना है। इसमें से डायरेक्टरेट ऑफ गवर्नमेंट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे आपको क्लिक करना है। यहाँ इतने सारे ऑप्शंस है, तो यहाँ आप रिलीजन चेंज के लिए जा सकते हो, नेम चेंज के लिए जा सकते हो, डेट ऑफ बर्थ, इतने सारे ऑप्शन है। तो हम नेम चेंज के लिए जा रहे, तो नेम चेंज पे क्लिक करके प्रोसीड करना है। क्लिक करने के बाद आप एक न्यू पेज पे आओगे, यहाँ आपको इतने सारे ऑप्शंस दिखेंगे। यहाँ चेंज ऑफ नेम पे क्लिक करना है और एक न्यू पेज ओपन होगा। इस विंडो में आपको गैजेट एप्लीकेशन के लिए एक फॉर्म आएगा। ये फॉर्म आपको मराठी में चाहिए तो मराठी में ये फॉर्म डाउनलोड करना है। इंग्लिश में भी ऑप्शन है, मराठी में भी ऑप्शन है। तो हम ये फॉर्म को डाउनलोड करके यहाँ से फॉर्म आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड होने के बाद ये फॉर्म को आपको फिल करना है। यहाँ ओल्ड नेम आएगा, यहाँ न्यू नेम आएगा। अगर एप्लीकेंट माइनर है तो उनके गार्डियंस का यहाँ सिग्नेचर करना है, अदरवाइज जिनको नेम चेंज करना है उनका यहाँ ओल्ड सिग्नेचर आएगा। आपको यहाँ पर्पस मेंशन करना है, नाम आप क्यों चेंज कर रहे हो। अभी मैरिड है तो मैरिज करके आपको यहाँ लिखना है। सेकंड, आपको यहाँ एड्रेस फिल करना है जो कम्युनिकेशन के लिए प्रॉपर होगा, क्योंकि आपका जब ये सर्टिफिकेट बनेगा तो आपको ये पोस्ट से आएगा, तो प्लीज ये डिटेल्स आप प्रॉपर मेंशन करो। ये सब ये डिटेल्स होने के बाद आपको ये फॉर्म आपको स्कैन करना है और वहाँ अपलोड करना है एप्लीकेशन में। फिर से सेम पेज पे आके यहाँ आपको एक्सेप्ट करना है और नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट पेज पे जाने के पहले यहाँ एक वार्निंग है, आर यू श्योर यू वांट टू फिल दिस फॉर्म इन इंग्लिश, ओके करना है। नेक्स्ट पेज पे आने के बाद यहाँ आपको ये फॉर्म आएगा, उसे अच्छी तरह फिल करना है। आपका पर्सनल फॉर्म को पहले अच्छी तरह से समझो और फिल करो। पर्सनल डिटेल्स आएगा, एड्रेस, ईमेल आईडी, कम्युनिकेशन के लिए आधार नंबर, इट्स नॉट मैंडेटरी। यहाँ आपको ओल्ड नेम लिखना है, न्यू नेम लिखना है और ये एग्रीमेंट एक्सेप्ट करना है, नेक्स्ट करना है। एरर्स आपको करेक्ट करने हैं। सो नेक्स्ट करने के बाद और एक विंडो आएगा, यहाँ आपको ओल्ड नेम और न्यू नेम करेक्ट है कि नहीं चेक करना है, आपका एड्रेस प्रॉपर है कि नहीं चेक करना है और ओके पे क्लिक।
चेक करके ओके पे क्लिक करना है और फिर प्रोसीड। प्रोसेस करने के बाद और एक विंडो होगा, वहाँ आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। आपको एक फोटो अपलोड करना है, उसके इंस्ट्रक्शंस यहाँ दी गई है, तो आप ध्यान से इंस्ट्रक्शन पढ़ के फोटो अपलोड करो। उसके बाद यह डॉक्यूमेंट्स आपको जेपीईजी या पीडीएफ फॉर्मेट में ही अपलोड करने हैं, और जेपीईजी का 100 KB से ज्यादा साइज नहीं होना है और पीडीएफ का 500 KB से ज्यादा साइज नहीं होना है। फोटो प्रूफ में आप इसमें से कोई भी एक दे सकते हो, एड्रेस प्रूफ में आप इसमें से एक दे सकते हो, एज प्रूफ में आप बर्थ सर्टिफिकेट या एलसी या बोनाफाइड सर्टिफिकेट देना है, और लीगल डॉक्यूमेंट अगर शादी हुआ है तो मैरिज सर्टिफिकेट आपको देना है, और अदर दूसरा कोई रीजन है तो इसमें से जो परफेक्ट है वो सिलेक्ट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म जो हमने डाउनलोड किया था और वो फिल करके स्कैन किया है, वो फॉर्म यहाँ टिक करना है और यहाँ से सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अपलोड करने के लिए अगर आधार कार्ड अपलोड करना है तो यहाँ टिक करके फिर यहाँ से आपको चूज फाइल करना है। फाइल यहाँ अटैच हो गए। इसी तरह सब डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं और लास्ट में आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है। इसी तरह फोटो की साइज फिक्स करने के बाद यहाँ से फोटो भी आपको अपलोड करना है और फिर अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद नेक्स्ट पेज आएगा, उस पे आपको पेमेंट करना है। पेमेंट भी ऑनलाइन ही करना है, अराउंड 270 और 280 रुपीस उसकी फीस आपको पे करनी है, और रिसिप्ट आपको प्रिंट करके रखनी है। जो भी नेम चेंज रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको पोस्ट से डिलीवर हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप आपको ये डिटेल्स काम आएगी। प्लीज सब्सक्राइब my channel for more videos.